नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पूड़ी पराठे के साथ खाने वाली आलू की सब्जी, जो हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। बिना लहसुन प्याज भी फ्रेंड बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं चटपटी सी आलू की सब्जी। आलू की सब्जी बनाने के लिए गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम एक बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच राई। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 पिंच के करीब हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और हींग से फ्रेंड गैस भी नहीं बनती है। अजवाइन और हींग सब्जी में आप ज़रूर डालें। और मैंने 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च ली है, वो भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। और अब हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी ली है, उसके अंदर डाल देंगे हम दही, मैंने 3 चम्मच दही लिया है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों भी डाल सकते हैं, मैंने अदरक ही यूज़ की है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इन सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें हम काट लेंगे। आप अपनी मनपसंद की शेप में काट सकते हैं। टमाटर भी हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और हम मसाला डाल देंगे इसके अंदर और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे और कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो दही जो है वह फट जाएगी। अगर आपसे इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो आप गैस को बंद करके मसाला डालें और फिर कंटिन्यू अच्छे से मिक्स करें, फिर गैस को ऑन कर दें। इस तरह से दही भी नहीं फटेगी। अगर दही फट गई तो सब्जी का जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और सब्जी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद छितरे छितरे से हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू मैंने थोड़े बड़े साइज़ में काटे हैं, आप अपनी मनपसंद से छोटे बड़े आलू काट सकते हैं। ये सब्जी पूड़ी, चपाती, राइस सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। बिना लहसुन प्याज भी फ्रेंड बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अब हम 1/2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर रखा है। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। मैं 1 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप सब्जी को गाढ़ा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम सब्जी को ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तीन मिनट बाद हम वापस से सब्जी को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है और अब हम इसे वापस से चला देंगे। अगर आप सब्जी को थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आलू इसके अंदर थोड़े से फोड़ कर डाल सकते हैं या फिर आलू को फोड़ ले सब्जी के अंदर तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। वैसे भी ये ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड। होटल वाले, ढाबे वाले भी यही यूज़ करते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी का कलर जो है वो हल्का सा चेंज भी हो जाता है, जो सब्जी दिखने में सुंदर लगती है और खाने में टेस्टी लगती है। 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है गर्म मसाला। गरम मसाला से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाले को भी हम सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे इसी तरह 1 मिनट तक पकने देंगे। सब्जी को पकते पकते 1 मिनट हो गया है, सब्जी हमारी अच्छे से बन गई है
बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिए से सब्जी दिखने में अच्छी लगेगी, खाने में टेस्टी। आप दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास दोनों थे तो मैंने दोनों ही डाल दिए। और वापस से इसे ढककर हम एक मिनट तक और पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी जो है हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनी है। पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। मैंने इसे बाउल के अंदर परोस लिया है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बिना लहसुन प्याज की या आलू की सब्जी आप एक बार ज़रूर बनाएं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपकी यह टेस्टी आलू की सब्जी कैसी बनी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।